नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। महात्मा गांधी चिकित्सालय की खेल आयोजन समिति द्वारा खेल महोत्सव 2024 का 5 दिवसीय आयोजन पूर्ण हुआ, जिसका देर रात समापन समारोह रहा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर राजकुमार राठौर, महात्मा गांधी चिकित्सालय नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय की तरफ से महिपाल सिंह राठौर, खेल स्पॉन्सर के रूप में दिनेश जांगू, अनीश शेख, कमलेश बाघराना, अनिल विश्नोई, शारीरिक शिक्षक संघ अध्यक्ष हापूराम चौधरी, अनुशासन समिति से अशोक चौधरी और खेल समिति के अध्यक्ष राजेश विश्नोई रहे। ये रहे विजेता और उपविजेता। बैडमिंटन पुरुष में विजेता गोपी किशन और उपविजेता डॉक्टर भूपत चौधरी, बैडमिंटन महिला में अन्नमा और उपविजेता विमला विश्नोई रहे। कबड्डी पुरुष में विजेता सीएमएचओ टीम और उपविजेता उम्मेद अस्पताल रहे। कबड्डी महिला में विजेता उम्मेद अस्पताल और उपविजेता एमडीएम अस्पताल रहे। 100 मीटर पुरुष दौड़ में क्रमानुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय बरकत अली, सुग्रीव जाटव, अशोक देवासी रहे। महिला दौड़ में संगीता विश्नोई, नेहा चौधरी और संगीता कुमारी रहे। वहीं 200 मीटर पुरुष दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रम अनुसार बरकत अली, जितेंद्र सिंह और सुनील चौधरी रहे। वहीं महिला 200 मीटर दौड़ में नेहा चौधरी, संगीता कुमारी और सुनीता रहे। रस्साकसी पुरुष में विजेता एमडीएम अस्पताल और उपविजेता सीएमएचओ टीम रही। रस्साकसी महिला में विजेता महात्मा गांधी चिकित्सालय और उपविजेता एमडीएम अस्पताल रहे। वॉलीबॉल में विजेता सीएमएचओ टीम और उपविजेता एमडीएम टीम रही। शतरंज में विजेता महात्मा गांधी चिकित्सालय के दीपक शर्मा रहे। क्रिकेट में विजेता एसएनएमसी डिस्ट्रिक्ट टीम रही और उपविजेता एमडीएम अस्पताल टीम रही। मैन ऑफ द सीरीज पीयूष रतनू रहे। म्यूजिकल चेयर में विजेता संविंद कंवर और उपविजेता प्रेमलता चौधरी रहे। कल्चरल इवेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मीना कंवर, संध्या गहलोत, पार्वती सैनी, सुनैना चौधरी, मंजू सोनगरा, भरत को मिला। नर्सिंग ऑफिसर एमजीएस से खेल महोत्सव में सुचारू रूप से भाग लेने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। 22 तारीख से 26 तारीख तक काफी खेलों में हम लोगों ने उत्साह से भाग लिया और सब बच्चों ने बहुत ही आगे बढ़ के अपने मतलब एक जो बैकग्राउंड होता है उससे हटके एक नया उत्साह के साथ लिया है और सबने लिया। आप लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? मतलब वो तो जो नोट आके देखेगा, नोट करेगा, वही बता सकता है कि हमें कितना उत्साह था। हम तो 100% बोलेंगे, 100% एनर्जी से हमने मतलब लीड किया है। और महिला को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज सब क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, तो मतलब अपने खुद की फिजिकल मेंटल एक्टिविटी के लिए बाहर आए और घर जॉब उससे हटके अपना अपने लिए कुछ टाइम निकालें। जैसे मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जो हॉस्पिटल्स है, हर वर्ष यहाँ पे हमारे खेल का आयोजन होता रहता है। इस बार हमारे एमजीएच जो गांधी हॉस्पिटल है उसके द्वारा ये पूरा संचालन किया गया। इसमें महिला कबड्डी, पुरुष कबड्डी, क्रिकेट मैच भी रखे गए। आज म्यूजिकल चेयर का हमने खूब आनंद लिया। इसका एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें सभी हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स ने, हमेशा नर्सिंग ऑफिसर्स अपनी मन को अपने जो कार्य है उसमें ही लगे रहते हैं, मरीजों को सेवा समर्पण देते रहते हैं। लेकिन 4 दिन का जो हर वर्ष की भांति इस बार भी हमने खूब आनंद लिया और साहस और जोश के साथ सभी हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स ने ड्यूटी के दौरान भी समय निकालकर अपने यहाँ खेल कूद मैदान में अपना परचम फहराया और इसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और हमारे जो भी आयोजन समिति के सदस्य हैं उन्होंने कुशलतापूर्वक इस खेल कार्यक्रम का नेतृत्व किया, इसलिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही हमारा जो गांधी हॉस्पिटल का जो प्रशासन है और एसएन मेडिकल कॉलेज के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो ऑडियंस है जिन्होंने हमारे खेल कूद के खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करवाया, उनका उत्साह बढ़ाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहते ना, श्रोताओं की भूमिका बहुत अच्छी होती है और मुख्य रूप से होती है, तो एसएन मेडिकल कॉलेज ने हमें ये ग्राउंड उपलब्ध करवाया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मीडिया का आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे जो गांधी अस्पताल के द्वारा जो खेल कूद का आयोजन हुआ उसका इस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि और भी जो संस्थाएं हैं जैसे शिक्षक शिक्षा विभाग में है और अपने राजस्थान जो भी प्रशासनिक विभाग है वो भी अपने समय समय पर खेल का आयोजन किया जाए। और जैसे कि अपने मुख्यमंत्री जी भी हैं, वो भी अपने खेल कूद को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि एक नई एनर्जी आए और इस देश को नए नए खिलाड़ी मिले और अपने देश का जो सीना चौड़ा हो
इसलिए ये कार्यक्रम हर वर्ष हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट करवाता है और इसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। आपका परिचय? मैं चंद्रकला चौधरी, नर्सिंग ऑफिसर, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, पोस्टेड एट GNMTC जोधपुर। नारायण की जय हो। खेल महोत्सव 2024 आयोजन समिति के अध्यक्ष सर, जो अभी प्रतियोगिता बारी चल रही है उसके बारे में बताइए कुछ। महात्मा गांधी अस्पताल में खेल महोत्सव आयोजन समिति के सौजन्य से दिनांक 22 फरवरी 2024 से आज 26 फरवरी 2024 तक चिकित्सा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी जोधपुर जिला कलेक्टर एरिया के कर्मचारियों से मिलाकर ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, म्यूजिकल चेयर, रेस, बैडमिंटन और रस्साकसी का प्रतियोगिताएँ थी। इसमें उत्साह से पूरे जिले के खिलाड़ियों ने भाग लिया। चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज से लगाकर हमारे OT के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक सब कर्मचारियों ने भाग लिया। में जो भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है कुछ अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, क्रिकेट में SNMC मेडिकल कॉलेज के संबंधित जो जिला अस्पताल है उनकी टीम विजेता रही और MDM हॉस्पिटल की टीम उपविजेता रही। रस्साकसी में MDM हॉस्पिटल की टीम विजेता रही और महिला रस्साकसी में MGH की टीम विजेता रही। वॉलीबॉल और कबड्डी के सेमीफाइनल लगे। बाकी के परिणाम अगले एक घंटे में। म्यूजिकल चेयर में ये आज शाम को 6:30 बजे समापन समारोह, जिसमें KK विश्नोई जी खेल मंत्री मुख्य अतिथि और देवेंद्र जोशी जी विधायक महोदय उपस्थित रहे।